वृंदावन इलाके में सुबह लगभग 4 बजे त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस की घटना। ट्रेन में बैग छीन कर भाग रहे चोर को पकड़ने के चक्कर में माँ बेटी की ट्रेन से गिरकर हुई मौत। आरोपी हुआ फरार। बेटे ने चैन पुलिंग कर ट्रेन कर रोका। मृतकों के शवों को भेजा पोस्टमार्टम। घटना की जांच में जुटी जीआरपी आरपीएफ। आपको बता दे सनसनी केस वारदात मथुरा के वृंदावन इलाके की है, जहां त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस निजामुद्दीन से कोटा जा रही थी। तभी वृंदावन इलाके में माँ बेटी से चोर बैग छीन कर भागने लगा, जिसे पकड़ने के चक्कर में माँ बेटी की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। ट्रेन में ही सो रहा बेटा जब शोर सुनकर जागा तो देखा कि माँ बहन उसके पास नहीं है। यात्रियों ने उसे बताया कि दो लोग अभी ट्रेन से नीचे गिरे हैं। तत्काल उसने चैन पुलिंग की। चैन पुलिंग के बाद जब ट्रेन उतर कर देखा तो उसकी माँ और बहन दोनों खून से लथपथ ट्रेन रेलवे ट्रैक पर पड़ी हुई थी। सूचना मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी मौके पर पहुंच गए और माँ बेटी को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आकाश। क्या घटना हो गई थी? घटना हुई कि कल रात को मैं निजामुद्दीन स्टेशन से ट्रेन पकड़ी थी मैंने, और मैं कोटा के जा रहा था। रास्ते में घटना हुई कि मेरी माँ और नीचे सो रही थी। कोई बदमाश बैग लेकर भागने की कोशिश की, उसने माँ उनके पीछे भागी और वो ट्रेन से बाहर कूद पड़ी और बहन भी उनके पीछे कूद पड़ी और दोनों भी स्टेशन में कूद। लगभग कितने बजे की घटना रही होगी? ये लगभग 3 बजे की रही। उसी दौरान वो लोग आपकी माताजी और आपकी बहन जी ट्रेन से गिर गई चोर को पकड़ने के कारण। फिर उनको घायल हो गए तो फिर पुलिस आपको यहाँ अस्पताल लेके आई। हाँ। फिर यहाँ पर क्या हुआ है? आने के बाद तो नहीं रही। क्या नाम है आपकी माताजी का? उनका नाम है मीना, बहन का नाम है मनीषा। तो अभी क्या कार्रवाई की है पुलिस ने? अभी पता नहीं, कैसे जानकारी ले रहे, सब समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो जो चोर आपका सामान लेकर भागा था तो आपने देखा था उसको? नहीं। केवल आपकी माताजी ने देखा था। हाँ। तभी वो उनके पीछे भागी थी और गिर गई। ट्रेन में कोई चोरी की वारदात और दो लोगों की मौत हो गई, क्या मामला है? ये 22634 ट्रेन नंबर है जो निजामुद्दीन से एर्नाकुलम चलती है। निजामुद्दीन से रात में 2:15 बजे चली है। उसमें कुछ लोग चढ़ गए लगता है, चोर टाइप के। इन लोगों ने S2 में महिलाओं से चोरी और छिनती का प्रयास किया। उसके बाद मथुरा स्टेशन पे है अभी उनका, और उसमें कोई मिसिंग है कि नहीं है ये हम जांच करेंगे, देखेंगे। और महिला का बेटा जो है वो हमारे पास है और सही सलामत है। वो उसको घटना का जानकारी घटना होने के बाद ही पता लगी है। ठीक। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।